नारायण। प्रदेश में इन दिनों डेंगू का कहर है। बात अगर रायपुर और भिलाई की करें तो यहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डेंगू की रोकथाम और बचाव पर जन जागृति अभियान चलाने की तैयारी में है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेंगू के डर को दूर कर उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना होगा। डेंगू फैला हुआ है, उसके बारे में जन जागृति, जन जागरण हेतु यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। लोग बाग पैनिक ना हो, डरे नहीं, और जो स्थिति है उसका सरकार से के साथ में मिलकर के, जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर के, उनका सहयोग करके और इससे लड़ा जाए। मुख्य रूप से जो सफाई की बात है, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स सब लोग लगे हुए हैं, उसमें सहयोग करें और आप खुद कारण ना बने गंदगी फैलाने का। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स, चाहे वह प्राइवेट में काम कर रहे हों, गवर्नमेंट में काम कर रहे हों, पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रहे हों, सब इसमें भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और रायपुर में भी अभी स्कूल्स में जा कर के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम क्लासेस में जा कर के बताएंगे, समझाएंगे। जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है वैसे वहाँ बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। और बच्चों को बताने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपने घर में बताते हैं, बाकी लोगों से बातचीत करते हैं और वो प्रॉम्प्टली काम करते हैं बच्चे, तो वो हमारा उद्देश्य एक होगा जन जागृति का। और फ्री में इलाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट बाद में उन्हें रिएम्बरेंस करने वाली है, जो पैसा होगा उसके बिलिंग सरकार ही तय करेगी, ये बात तय है, हो चुकी है और सभी लोग मान भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पैनिक, इस कई लोग को लगता है कि फ्री में इलाज हो जाएगा, तो उनको डेंगू नहीं है उसके बावजूद भी वहाँ लड़ते हैं कि मुझे डेंगू था, फीवर है, ऐसी भी शिकायत आई है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो दूसरे लोग बैठे हैं उनको भी, उनके पास भी फ़ोन जाता है कि मेरे को डॉक्टर देख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, मेरे को फीवर है, वो जो चीज़ें हैं। लोगों को लगा कि डेंगू में एक बार, तो बाकी लोग भी उस स्थिति का थोड़ा सा फ़ायदा, नाजायज़ कहना चाहिए, वो कर रहे हैं, वो या तो पैनिक हो करके कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें ना। नारायण नारायण।